वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल स्काईटॉक। अमर लियाकत का अपनी तीसरी अहलिया के वालिदैन से रब्ता कैसे हुआ, मुकम्मलतर तफसील जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में घंटे के निशान को लाजमी प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए चलते हैं न्यूज़ की जानब। अमर लियाकत 18 साल सईदा दानिया शाह से तीसरी शादी के बाद सोशल मीडिया पर तनकीद की जद में हैं। किसी ने लिखा है कि अमर लियाकत की जानब से लड़की की कम उम्री को लेकर डेंगे मारना जाहिर करता है कि उनके नज़दीक औरत की कितनी कम हैसियत है। अमर लियाकत गुज़श्ता कई हफ्तों से सोशल मीडिया पर अपनी तीसरी अहलिया का टेज़र शेयर करते रहे हैं। उन्हें तीसरी शादी पर गुज़श्ता रोज़ वज़ीरे आज़म इमरान ख़ान ने भी मुबारकबाद दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली और टीवी मेज़बान अमर लियाकत की तीसरी शादी की खबर और उसके बाद सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस सामने आने के बाद मुस्बत और मनफी तबसरों का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। गुज़श्ता दिनों अमर लियाकत ने लोधरा की रिहायशी 18 साल सईदा दानिया शाह के साथ अपनी तीसरी शादी का ऐलान किया और साथ ही चंद वीडियोज़ भी शेयर की। अमर लियाकत अपने ससुराल में निकाह के बाद गाना गाते भी देखे जा सकते हैं। एक और वीडियो में लोधरा से कराची आते हुए खुशगवार सफ़र के लम्हात देखे जा सकते हैं। इसके अलावा एक वीडियो जो अमर लियाकत की अहलिया ने बनाई है उसमें जोड़े को अपने कमरे में देखा जा सकता है। सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वालों ने अमर लियाकत को तीसरी अहलिया की उम्र शो ऑफ करते पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया। एक सारफ ने लिखा है कि अमर लियाकत की जानब से लड़की की कम उम्री को लेकर ढींगने मारना और शो ऑफ को जाहिर करना करता है। उनके नज़दीक औरत की कितनी कम हैसियत की मालिक है और वो उन्हें अपने लिए ट्रॉफीज़ और एक कारनामा समझते हैं। अमर लियाकत गुज़श्ता कई हफ्तों से अपनी तीसरी अहलिया की टेयर्स शेयर करते रहे हैं। सईदा दानिया के टिकटॉकर वीडियोस शेयर करते हुए अमर लियाकत ने कभी लिखा कि बस कुछ दिन रह गए हैं और कभी लिखा कि कमिंग सून। अमर लियाकत की तीसरी शादी की खबर से एक दिन कबल ही अमर लियाकत की तीसरी बीवी सईदा तौबा ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया। 14 माह की अलहदगी के बाद मुफाहमत और सुलह की गई कि कोई गुंजाइश ना होने पर उन्हें खुला लेने के लिए अदालत रुजू करना पड़ा। क्या रहे कि सईदा तौबा से अमर लियाकत ने दूसरी शादी 2018 में की थी जबकि तौबा की उम्र 24 साल थी। इस दौरान अदाकारा मॉडल हानिया ख़ान ने दावा किया था कि वो अमर लियाकत की बीवी हैं। हानिया ख़ान ने अमर लियाकत को मुनाफिक भी करार दिया था, कहा कि उन्होंने उनका करियर ख़त्म करने की कोशिश की। 2020 में अमर लियाकत की पहली अहलिया डॉक्टर बुशरा इकबाल ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया कि अमर लियाकत ने उन्हें छोड़ दिया है और वो अब अपना मामला अल्लाह पर छोड़ रही हैं। डॉक्टर बुशरा इकबाल से अमर लियाकत के दो बच्चे हैं जिनमें बेटी दुआ और बेटा अहमद शाह। दानिया मलक की वालदा सलमा मलक ने जंग किस से गुफ्तगू करते हुए बताया कि उनके खामंद पीर हैं और पीरी मुरीदी के वजह से अमर लियाकत का हमसे राबता हुआ। दुआ है कि अल्लाह ताला दोनों को खुश रखे और उन्हें बेबहा खुशियां दे। नई दुल्हन सईदा दानिया अमर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कहा कि ये उनके लिए इंतहाई ख़ास लम्हा है। शोहर अमर लियाकत बचपन से ही उनका आइडियल है। क्या रहे कि अमर लियाकत ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आलम ऑनलाइन से शोहरत हासिल की और उसके बाद रमज़ान ट्रांसमिशंस और गेम शोज़ की मेज़बानी ने उन्हें शोहरत की बुलंदी पर पहुंचाया। तो ये थी हमारी आज की मुकम्मल तर तफसील। अगर आपको अच्छी लगी है हमारी वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी के निशान को लाजमी सब्सक्राइब करें।